हे गाइस, दिस इज आवर न्यू ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम। हमारा भाई केपी और हमारा भाई चंदू। हेलो गाइस, तो हमारा ये न्यू ब्लॉग है गाइस। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आज कोई काम नहीं है, सुबह से खाली हैं। और कोई 11:30 हो गए हैं दोपहर के। सुबह से ना आलू बिका है, ना बिका है आधा कांधा। अभी तक कोई ग्रूमिंग भी नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आज फ्री है। चलिए, हमने सोचा कुछ काम धंधा ही कर लें बैठे बैठे, अपने दोस्त यारों से ही बात कर लें। और दुकान पे इतनी सारी वैरायटी है, मैं आपको वैरायटी दिखाता हूँ, लेकिन एक कस्टमर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक कस्टमर आ जाए, देखिए गाइस, इतनी बड़ी दुकान है, बस खाली पड़ी है, ना कोई काम धंधा है, ना कुछ है। तो भाई आप कुछ hey guys, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम पे काम आ गया है। और आप आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे नए दोस्त पोगो से। गाइस, होनी से पोनी हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हम लोग कहते हैं आज भी काम धंधा नहीं है, ना आलू बिका है, ना कांदा बिका है। पहला क्लाइंट आ चुका है आज का। आज हमारे साथ है पोगो, एक सरप्राइज है पोगो। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पोगो। तो पोगो है एक स्वीट स्नो लाइक पर्शियन कैट। तो आज ही हमारे पास आई है फुल ग्रूमिंग के लिए। आज हम इसका फुल ग्रूमिंग करेंगे, इसके हम हेयर ट्रिमिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी, और फिर इसको नहलाएंगे। नहलाने के बाद देन इनकी हेयर की क्लीनिंग होगी इसकी, और सैनिटरी एरिया की क्लीनिंग होगी, इसके नेल्स कट किए जाएंगे, एंड देन फिर अपने घर जाएगी। तो गाइस, वो भी बॉडी में कुछ नॉट्स बने हुए हैं, हेयर बॉक्स यहाँ पे देखो, ये बालों गुच्छे बन गए। तो इसको हम काट के निकालेंगे। मम्मा ने कहा कि ज़्यादा बाल नहीं काटने, नॉट्स की वैसे रूप में जहाँ जहाँ से नॉट्स है वहाँ से इसे पूरा गंदा करेंगे आज फिलहाल। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, अब पोको की ग्रूमिंग चालू हो गई है, और इसमें नॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हमें ग्रूमिंग करने में। मैं आपको क्लोजअप का एक शॉट दिखाता हूँ, आप देखिए कैसे कितनी ज़्यादा इसकी गांठें बनी पड़ी हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी इस टाइम पे ग्रूमिंग चल रही है, और ये कैट में बहुत ज़्यादा नॉट्स हो रखी हैं, बस इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो नॉट्स की कटाई चल रही है गाइस, और एक तुम भी लगा लो तो तुम भी बोल पाओगे अच्छे से हमको। तो गाइस, जैसा कि मैंने हमारे एयर डॉप्स लगा लिए हैं बोट के, अब आवाज़ बहुत ज़्यादा सही आ रही है, रिकॉर्डिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक नए बंदे से मिलाना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा चिरांद है। ये देखिए, ये है गाइस हमारा शॉप बॉय है पकिया। शॉप बॉय पकिया, इसका जितना जैसा नाम पकिया है, ये वैसे ही बहुत बड़ा चिरांद है। इसे जो काम बोला ये वो नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। ये हमारे बॉस ने नहीं रखा इसे इस शॉप में, इसने हमारे बॉस को रख रखा एज अ मालिक। हमारे फ्रेंड्स को पकिया हाय बोलो, हमारे दोस्तों को हाय बोल फटाफट। हाय बोलना, हाथ क्या हिला रहा है बस। आप देख रहे हो अब इसके टेम्परेचर है, नेल्स कट रहे हैं, और ये बिल्ली बहुत ज़्यादा शांत है, बिल्कुल भी उछल कूद नहीं कर रही है, वरना वैसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा उग्रवादी होती हैं। गाइस, जो आप देख रहे हो इसके मैं इकोर लगा रखा है, इसलिए लगाया कि हमारी सेफ्टी रहे। काटती है, ऐसे है बहुत प्यारी, ये काटती है गाइस, बहुत जोर से काटती है। तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे यार? बोल यार, तू कुछ बोल ही ना हमारे ब्लॉग में, सबसे फेमस इंसान है यार, तू बोल भाई। ये देखो गाइस, इसने बस ये बोला चुप रहे, इस साले को इसके सिवा कुछ बोलना ही नहीं आता। अपने मेन काम पे फोकस करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अब भी इसकी टीका हो गया है पूरा पूरा काम। वैसे किट्टी है बहुत प्यारी, बिल्कुल ही क्यूट सा भी फेस, भी नहाने के बाद देखना कितनी प्यारी लगेगी। नहाने के बाद तो ये बिल्कुल ही अप्सरा बन जाएगी, बिल्ले पागल हो जाएंगे इसे देख के। ये कुछ बिल्ला है, बिल्ला है, ओ यार शिट, कोई बात नहीं, बिल्ली पागल हो जानी है, बिल्ली पागल हो जाएंगी इतनी देख के। हैंडसम बिल्ला आया मार्केट में, लेकिन गाइस इस टाइम पे बिल्ला ढिल्ला हो गया बिल्कुल ही, अभी थोड़ा डरा भाई, इसलिए इसकी फटी पड़ी है ये समझ लो। गाइस, अब हमारे पकिया कुछ कह रहा था, इसकी लटे देखो यार, कसम से इस बंदे ने 7 महीने खर्च करे अपने इन बालों को बढ़ाने के लिए। शरीर पे इसका मास तो नहीं बढ़ा, लेकिन इसके बाल देखो, ये देखो बाल, ये देखो, ये बंदा अपनी जान दे देगा लेकिन बाल नहीं कटवाएगा। इसकी शादी होने वाली थी, बट शादी रिसेंटली टूट गई, थोड़ा सा लड़की होने वाले ने कह दिया लड़का थोड़ा ढीला है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये अपने बाल कटवाओ फिर शादी करेंगे। फिर उन्होंने क्या करा ना, इसने बाल नहीं कटवाए अपने, फिर उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। इसलिए हुआ था कि क्या नाम है, लड़की वालों ने बोला पहले लड़का दिखाओ, फिर लड़का देख के बोला फिर डॉक्टर को दिखाओ।
कोई बात नहीं, एक बंदे की एक खास बात है, दिल पे नहीं लेता कोई भी बात, बाकी सब जगह ले लेता है। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो अभी इसकी कटिंग चल रही है इसके इनर एरिया की, वो बहुत ही प्यार से बहुत ही इजी तरीके से, ये बहुत टफ है हम नहलाने के लिए, अभी नहाने के लिए तैयार है, बाल इसके कट गए हैं, इसको हम एक पाउच में डाल के नहला रहे हैं कि ये नहाते टाइम पानी डलते कुछ उसके बगेगी तो पाउच की वजह से ये उछल नहीं पाएगी। अरे बहुत ही नोटिस की आगे देखो आप प्यारी आगे इसकी, हम इसका मेडिकेटेड बाथ देने जा रहे हैं ताकि स्किन पे कोई भी एलर्जी ना हो। ये देखो कैसे उछल उछल के भागेगा ये, ये साहिल भाई हमारे नहलाने जा रहे हैं इसे, और ये फुल उछल कूद चल रही है इसकी, वाउ वाउ। गाइस थैले में इसलिए पैक करा जाता है ताकि कैट कभी भी उछल के ना भागे, वरना बिल्ली को नहलाना ये समझ लो कि सात समंदर पार उड़ के जाना। पाउच की वैसे भागे, पाउच इसलिए लगाया जाता है ताकि बिल्ली उछल के ना भागे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत थकावट हो गई है काम करते करते, इसलिए मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। सुबह से कुछ नहीं किया गया है, सुबह से कोई काम नहीं था, अभी ये कैट आई थी उसकी ग्रूमिंग हो रही है। आप हमें सपोर्ट करिए धीरे धीरे, हमें बहुत अच्छा करेंगे, अच्छी अच्छी आईफोन लेके आऊँगा, एक किडनी बेच दूँगा उसके बाद, एक किडनी बेचने की तैयारी कर ली, मैं डीलर ढूंढ रहा हूँ, बस कोई डीलर मिल जाए तो आपकी नज़र में बताना। चालू है देखो गाइस देखो, तो गुस्सा आ रहा है, अभी तो गुस्सा आ रहा है, अटैक कर रही है। नौ 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 शीशा, तुम अंगी में हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव, पंजा मार रही है बहुत जोर से, इसकी हाई फाइव नहीं लेनी है मुझे, पंजा मार के गंजा कर देगी। चलो बैठ जाओ पोगो। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारी ग्रूमिंग खत्म हो चुकी है, एंड देखो गाइस पूरी नहा धो के चिकनी चमेली बन गया है ये, हमारा बिल्ला, ये बिल्ला ढिल्ला हो गया था थोड़ी देर पहले और अब ये पूरा स्मार्ट बॉय बन गया है, बिल्कुल ही बिल्लियों पे कह डा देगा आज ये लौंडा। जेम्स बॉन्ड एक्शन के लिए तैयार। गाइस देख रहे हैं यहाँ पे शीरो की कटिंग चल रही है, इसकी हेयर लेंथ को हम ट्रिम कर रहे हैं दो नंबर पे, देन इसके बाद फेस को हम राउंड फिगर करके इसको टैडी से टैडी बेयर वाला लुक देंगे, और जो इसका फेस पे जैसे विजन इसका ब्लॉक हो रखा आप देख रहे हैं तो वो थोड़ा क्लियर करके एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग निकालेंगे। तभी ग्रूमिंग भाई पे अपना साहिल भाई आज अपनी ग्रूमिंग कर रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना साहिल भाई की ग्रूमिंग कैसी लग रही है, बाल अच्छे कट रहे हैं ना कट रहे हैं साहिल? बिल्कुल भाई बढ़िया बढ़िया बात, बाल कट रहे हैं, नया ब्लेड डाला है एक्चुअली, तो नई नई तलवारों से अच्छी जंग होती है, ये क्या बोल रहा हूँ, डजंट मैटर, मतलब ऐसे ही मन में डायलॉग आ गया तो बोल दिया मैंने, इसका कोई सेंस नहीं था। भाई जैसा कि आप देख रहे हो इसकी ग्रूमिंग पूरी हो चुकी है, आधी अधूरी अभी चल रही है, बस फेस फेस रह गया है, इसके बाद ये जाएगा बाथिंग के लिए। एक्चुअली हम लोग गाइस लंच करने जा रहे थे, इतने में ये आ गया तो मैंने चलो ठीक है पहले हम इसकी कटिंग करेंगे उसके बाद लंच करेंगे। जिंदर भाई को भूख लग रही है बहुत तेज, लंच में क्या लगेगा, लंच में क्या लगेगा, चावल लेके आया हूं यार, गरीब आदमी चावल लेके, चावल से कुछ गुजारा चल रहा है यार, चावल के साथ क्या है, अपन आज लाए कह रहा है अपना, आज मैंने आलू की सब्जी करवा ले, गरीब आदमी आलू खाता है बस, करवा ले कह रहे बहुत मोटा हो गया थोड़ा डाइटिंग कर ले, ये देखो तो भाई चावल खा के डाइटिंग चल रही है। साहिल क्या लाया लंच में, आलू बैगन रोटी। अरे अरे ये भी गरीबों वाली सब्जी लाया है आज, कुछ अच्छा है नहीं गाइस, कोई बात नहीं, आलू बैंगन और आलू की सब्जी चावल वगैरह वही सब इन्जॉय करेंगे, जो है उसी को खाना चाहिए अच्छे से, उसी को खुश होकर खाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो इसके इतने सारे बाल निकले हैं, काश इनके बाल भी बिकते तो साले आज हमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं होता मार्केट के। हाँ जनरली हम जहाँ भी बाल काटते हैं तो जिसके लिए डॉक्टर हम बाल काट रहे हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि हाँ इतने सारे बाल निकले इन बालों में कुछ होता है क्या, ये बाल बिकते हैं? तो नहीं गाइस ये बाल बिल्कुल नहीं बिकते, कहीं नहीं बिकते, ये सिर्फ कूड़े में फेंके जाते हैं, यही होता है इनका, इनके बदले में कोई जीरा नहीं मिलता।
अगर इनके बाल बिकते तो साला हमसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं होता। फुल ग्रूमिंग बाजी, फुल रगड़ रगड़ के नहाता हुआ जीकू तो आप देख रहे हो इसकी अब फुल बॉडी ट्रिमिंग हो गई है और फेस की कटिंग होने जा रही है। इसका फेस बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है और बट अभी क्यूट सा बेबी फेस बन जाएगा इसका। देखो बस 5 मिनट बाद आप देखना क्या गजब का फेस निकल के आएगा बाहर। देख रहे हैं फुल ग्रूमिंग चल रही है बिल्कुल प्यारी तरीके से, ये छछुंदर से फेस से सुंदर सा फेस बनाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं। वैसे ये है बहुत मेहनत का काम, लोग आपको लगता है सारा कुछ काम नहीं है हमें, ये देखो फुल कब खोले फुल टेडे हेयर फेस। ये गद्दारी कर भाई, काटने की कोशिश कर रहा हो अभी तो। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा कैंची का काम हो रहा है और फुल कैंची बाजी चल रही है, लेकिन ये थोड़ा कोऑपरेटिव डॉग नहीं है, थोड़ी हरामखोरी कर रहा है। अगर शांति से बैठ जाए तो काम बहुत ही आसानी से निपट सकता है। लेकिन तो ब्रो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब इसकी फुल ग्रूमिंग हो चुकी है और ये देखो क्या क्यूट सा बेबी फेस बन के बैठा हुआ है अभी मेरी गोद में बिल्कुल प्यार से। अब इसे आ रही है नींद और ये सोच रहा है कि मैं आराम से थोड़ी देर खा लूँ पी लूँ और सो जाऊँ। सो जा बेटे, शक्ल दिखा दे अपनी। हेलो गाइस, तो शाम के 5 बज रहे हैं, मैं एडी की वॉकिंग कराने के लिए आया हूँ। ये देख सकते हैं एडी एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जिसको मैं वॉक की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये एक्चुअली वॉक की ट्रेनिंग देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लीश पुलिंग करता है और जब इसे रोड पे लेके इसके पेरेंट्स अगर से घुमाने निकलते हैं तो ये उनको आगे आगे पुल करता है, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। एकदम से एक सडन खिंचाव पड़ना और इसमें आपको मसल पुल हो सकता है, आप गिर सकते हो किस तरह से सकते हो, तो इसलिए ज़रूरी है। तो मैं इसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। गाइस जैसे आप देख रहे हैं कि एडी अब नॉर्मली चलने लगा है, अभी ज़्यादा लीश पुल नहीं करता और आराम से चल रहा है। लेकिन जब स्टार्ट में इसको ट्रेनिंग स्टार्ट की थी मैंने आज से 2 महीने पहले, तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा अपने लीश को पुल करता था और अपने लीश को खींचता था आगे आगे, मुझे इसके पीछे खींचते हुए चलना पड़ता था। पर देखो बिल्कुल जनरल नॉर्मल चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत बीच में कहीं कोई स्मेल भी आती है तेज तो इसमें लीश पुल करता है, लेकिन जैसे ही से बोला जाता है एडी कम ऑन लेट्स गो तो ये चल देता है। देखिए देखिए अभी तो थोड़ा लीश को खींच रहा है, मैं बोलूँगा एडी कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन, कम कम ऑन बॉय, आ जाओ गुड बॉय कम ऑन। तो देखा, तो जब मैंने इसे बोला कम ऑन और गुड बॉय तो ये चलने लगा आगे। तो अब इसकी लीश पुलिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। बीच बीच में कभी कभी ऐसा कर देता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने पे खींचने लगता है लीश को, क्योंकि जनरली भी क्योंकि अभी मेटिंग सीजन चल रहा है तो इसको किसी फीमेल के यूरिन की स्मेल वगैरह आती होगी जिसमें इसको फिर मेटिंग कॉल लगती है, इस वजह से ज़्यादा स्मेल करते हैं। ये देखिए गाइस आराम से घूम रहा है मस्ती में, नई नई स्मेल ले रहा है। डॉग्स के लिए स्मेल करना बहुत ज़रूरी होता है, इनके सेंसर इससे एक्टिव रहते हैं। तो वॉक थोड़ी लीश पुल कर रहा है क्योंकि इसको एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आई होगी किसी मेटिंग कॉल की इसलिए, और अभी तक इसने एक बार भी मीटिंग नहीं की है तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड है, अभी कह सकते हैं भरा हुआ है, तो इसीलिए एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है इसके साथ। बाकी तो अपना डार्लिंग बच्चा है, देखिए कितने आराम से चलता है। ये सोसाइटी के अंदर 2 डॉग्स हैं, अगर वो भी आईडी को देखेंगे तो भौंकते हुए आएंगे। चलो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे और फिर वहाँ से यू टर्न लेके वापस। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही,
तो अभी हम एडी को वॉक कराते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रेन करेंगे। आज मेरे साथ चंदू भाई है नहीं, तो बाकी का सिर्फ और मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे एडी के साथ एंगेज होना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।